राजेश रावलनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाना चेयरमैन तरीके वरणी थई छे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाना चेयरमैन तरीके पहला गुजरातीने वरणी थई छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे परेश रावलने निमणूक करी। सांस्कृतिक बाबतोना मंत्री प्रहलाद पटेले परेश रावलने अभिनंदन आप्या छे अने तेमणे जणाव्युं हतुं के परेश रावलनी निमणूकथी कला जगतने फायदो थशे। परेश रावल हिंदी गुजराती चलचित्र जगत अने नाट्य मंचना अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता छे। गुजराती फिल्म नसीबनी बलिहारी थी कारकिर्दीनी शुरुआत करी अने राजकारणनी शुरुआत पण भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाईने करी। अमदावादनी पूर्व बैठक थी परेश रावल सांसद रही चुक्या छे। 2014 में भारतनो प्रसिद्ध पद्मश्री एवोर्ड पण तेमने आपवामां आव्यो छे। तो परेश रावलनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तरीके ना चेयरमैन तरीके निमणूक, प्रथम गुजराती बन्या छे परेश रावल, जेमनी एनएसडी ना चेयरमैन तरीके वरणी थई होय, पसंदगी करवामां आवी होय। अभिनेता परेश रावल जे गुजरात अमदावाद ना सांसद पण रही चुक्या छे अमदावाद पूर्व बैठक थी, त्यारे हवे एनएसडी ना चेयरमैन तरीके तेमनी निमणूक करवामां आवी छे। प्रहलाद पटेल नु कहेवुं छे कि कला जगत ने अत्यंत फायदो थशे। परेश रावल खूब जाणीता कलाकार, अनेक हिंदी फिल्मों में पोताना किरदार थी, पोतानी एक्टिंग थी तेमणे लोकोनी लोकचाहना मेळवी छे। गुजराती अनेक गुजराती नाटकों में अनेक गुजराती फिल्मों में काम करी चुक्या छे परेश रावल ने। हवे पहला एवा गुजराती परेश रावल बन्या छे जेमनी एनएसडी एटले के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ना चेयरमैन तरीके वरणी करवामां आवी छे। भारतमां एनएसडी नू खूब उच्च कक्षाए नाम छे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नू, अने तेना चेयरमैन तरीके तेमनी वरणी थता स्वाभाविक रीते गुजरात माटे आ एक गौरवना समाचार छे के गुजराती एनएसडी ना चेयरमैन तरीके जो निमाया छे, तेमनी पसंदगी थई छे। 2014 मां पद्मश्री एवोर्ड थी तेवे सम्मानित थया। एक लांबी फिल्म कारकिर्दी परेश रावलनी रही छे अने सातोसात राजकारण में पण 2014 थी तेमणे राजकारण में भारतीय जनता पार्टी ने टिकिट 2014 में रह्या अने जीत्या। दिग्दर्शक अभिलाष घोड़ा अपनी साथ फोन लाइन पर जोड़ाया छे। अभिलाष जी, कई रीते आप जोई रह्या छो परेश रावल ने एनएसडी ना चेयरमैन तरीके तेमनी वरणी थई छे, आप कई रीते जोई रह्या छो? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक देशनी मातबर संस्था, नाट्य कलाकारों माटे પોતાની માતૃ સંસ્થા કહી શકાય, આવી સંસ્થાના અધ્યક્ષ તરીકે એક દિગ્ગજ કલાકારની નિમણૂક એ સમગ્ર કલા જગત માટે આનંદના સમાચાર છે અને ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ માટે આ વધારે આનંદના કે એક ગુજરાતી કલાકારની ત્યાં નિમણૂક થઈ છે એટલે ગુજરાતી કલાકારોનો આનંદ બેવડાય છે, જેમાં બે મત થાય। धन्यवाद अभिलाष जी, अमारी साथे वात करवा बदल।